नमस्कार, मैं हूँ सरिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता में। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी लेके। आज हम बनाने वाले हैं बटर चिकन। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है, उसको धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो सबसे पहले इसमें डाल दी है थोड़ी सी मैंने हल्दी। अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसमें डाल दी है मैंने 2-3 चम्मच, मैंने इसमें डाल दी है दही। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। सबसे पहले चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद हम जब ये सब मिक्स हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन, कप लहसुन। इसको चाहे तो आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने इसको सिर्फ कूट के डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लहसुन को भी, और इसको अब हम रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब करते हैं अगला प्रोसेस शुरू। अब इसका मसाला तैयार करने के लिए हम यहाँ पे एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो किसी दूसरे ऑयल में भी बना सकते हैं, बट मैं सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने डाल दिया है मोटे मोटे कटे प्याज, कुछ काजू, हरी मिर्च और टमाटर। इन सबको हम काजू के कुछ पीसेस डाल दिए हैं, थोड़ा सा मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये सब डाल के अब हम इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा भून चुका है। अब इसको हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमको बाद में इसको पीसना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसमें बटर थोड़ा यूज़ होगा ही। और इसमें डाल देते हैं धनिया। धनिया का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है जब हम इसको, इस मसाले को जब हम पीस के रेडी करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है इसका। अब ये भुन चुका है, इसको हम रख देते हैं अभी ठंडा होने के लिए, क्योंकि मिक्सी में इसको हम तभी पीसेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम करेंगे चिकन को फ्राई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम एक एक करके सारे चिकन को, मैरिनेट किए हुए चिकन को, जो कि आधा घंटा इसको मैंने मैरिनेट किया है, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके, और एक एक चिकन पीस हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैरिनेट करने से मसाला सारा जो है इसके अंदर अच्छी तरह से घुस गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बटर चिकन बनाने वाली हूँ मैं, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए, ये चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो देखिए अब ये थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे, उलट पुलट करके इसको 2-3 बार करेंगे तो उसी में ये हमारा चिकन गल जाएगा। थोड़ी देर इसको हम गलने देते हैं। अभी इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है, ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर हम पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ये गल के ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है, तो अब ये इस कंडीशन में है। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा भुन गया है। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, अब ये सारा मसाला इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे सारा मसाला। इस इन मसालों में सभी कुछ है, तो एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सारा मसाला इसमें डाल के इसको हम अच्छी तरह से अभी और पकाएंगे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये सचमुच में इतना अच्छा बना था, बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। और इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है।
अब देखिए मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। आपको यदि चावल के साथ राइस के साथ खाना है तो पानी ग्रेवी आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छी तरह से, अब इसमें मैंने लास्ट में सबसे डाल दिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ऐड कर देंगे इसमें। अब देखिए दो तीन बॉयल इसके आने के बाद इसमें ये इस तरीके से हो गया है। अब इसमें मैंने ऊपर से डाल दी है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई को, फ्रेश मलाई को थोड़ा सा अच्छी तरह से चम्मच से उसको फेंट के और उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा ये टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बैलेंस बनाएगा, और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बटर चिकन में डालने से इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो देखिए अब ये लगभग हमारा बटर चिकन बन के रेडी है। तो आइए अब इसकी कर्ल कर लेते हैं प्लेटिंग। ये देखिए ये बटर चिकन बन के तैयार है और लग रहा है कितना टेस्टी, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब इसको हम धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। और धनिया के पत्ता से गार्निश करना तो हर सब्जी को चार चांद लगाने वाली बात होती है, तो बस मैंने भी वही किया, थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल के गार्निश कर लिया। तो लीजिए रेडी है गर्मा गर्म बटर चिकन की रेसिपी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक जल्दी पहुंच जाए। दो हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर लेंगे। तो बस इसी तरह से इस बटर चिकन को आप भी बना सकते हैं मिनटों में और खा सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, कमेंट भी करें और कमेंट में अपने सुझाव दें। अगर यदि आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपने कैसी बनाई और आपको कैसी लगी ये रेसिपी, बना करके आपको कैसा फील हुआ। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं इसी तरह से और अच्छी नई नई वीडियो लेकर के आती रहूँगी और आप मेरे चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। लग रही है ना एकदम मज़ेदार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चैनल को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।